देश की दिग्गज कंपनी आईटी सेक्टर की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जून तिमाही के अपने नतीजे जारी कर दिए हैं और नतीजे जो हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीद से बेहतर रहे हैं, क्योंकि बाजार को कमजोर नतीजों की उम्मीद थी लेकिन कहीं ना कहीं नतीजे बेहतर रहे हैं। साथ ही कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। अब हम मुनाफे की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो मुनाफा है घटकर 12,040 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि मार्च 2024 की तिमाही में ये करीब 12,434 करोड़ रुपए था, लेकिन जो बाज़ार को अनुमान था वो 12,000 से नीचे का अनुमान था, यानी कि जो बाज़ार मान के चल रहा था कि शायद 11,900 करोड़ के आसपास मुनाफा रहेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाज़ार की जो उम्मीदें थी उससे बेहतर रिजल्ट रहे हैं। अब हम आय की बात कर लेते हैं। कंपनी की जो आय है वो तिमाही दर तिमाही यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो आय है वो 61,237 करोड़ रुपये से बढ़कर 62,613 करोड़ रुपये पर आ गई, यानी कि आय के फ्रंट पे भी जंप है। अब हम बात कर लेते हैं जो अनुमान था, अनुमान बाजार का कहीं ना कहीं 62,170 करोड़ रुपए के आसपास था। अब हम एबिटा की बात कर लेते हैं, जो एबिट है वो घटकर 15,442 करोड़ रुपए पर आ गया है, जो पिछली तिमाही में 12,918 करोड़ रुपए था। तो कंपनी के जो एबिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो तिमाही दर तिमाही आधार पर 26% से घटकर 24.7% पर आ गया है, जो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। अब डिविडेंड की बात करें तो जो TCS के निवेशक हैं उनके लिए कंपनी ने 10 रुपये प्रति डिविडेंड का ऐलान किया है। कुल मिला के नतीजे बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं हम कहेंगे। तो बिजनेस टुडे बाजार पर TCS पर यह था अपडेट। बाकी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।